अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम बनाएंगे हैदराबादी चिकन बिरयानी। इसे हम बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल तरीके से बनाएंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ज़बरदस्त हैदराबादी चिकन बिरयानी बनकर रेडी हो जाएगी। ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बनती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करने के लिए एक कढ़ाई में 1 कप के करीब ऑयल गरम करेंगे और इसमें 4 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याजें डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे और लगातार चम्मच चलाते हुए प्याज को फ्राई कर लेंगे। थोड़ी ही देर में देखिए प्याज का कलर ब्राउन होने लगा है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्याज को ऑयल से निकालकर एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें से आधी प्याज हम चिकन को मैरिनेट करने में यूज़ करेंगे और आधी प्याज को हम बिरयानी की लेयर लगाते वक्त यूज़ करेंगे। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन लेकर उसे अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था ताकि चिकन का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और चिकन के जो बड़े बड़े पीसेस थे उसमें हमने कट लगा लिए हैं ताकि मसाला उसके अंदर अच्छे से चला जाए। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ऐड कर देंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। ये होममेड बिरयानी मसाला है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। 2 टेबल स्पून नींबू का रस लेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, 200 ग्राम दही है ये, इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। एक मुट्ठी कटा हुआ पुदीना और 1 मुट्ठी कटा हुआ हरा धनिया, 4-5 कटी हुई हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे। अब ये फ्राई की हुई आधी प्याज जिसे हमने हाथ से क्रश कर लिया था ये चिकन में डाल देंगे और आधी प्याज हम बचा लेंगे, इसे हम बिरयानी की लेयर लगाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। अब प्याज डालने के बाद लास्ट में हम इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड कर देंगे। सभी मसाले चिकन में ऐड हो गए हैं। अब इन सभी मसालों को हाथ से या चम्मच से बहुत अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सभी मसाले चिकन में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे ढककर 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब बिरयानी बनाने के लिए हमें चावल चाहिए, तो यहाँ हमने 1 किलो चिकन के लिए 1 किलो अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल ले लिए हैं। चावलों को हमने 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इन्हें पानी में भीगने के लिए रख देंगे। कम से कम इतने फिंगर डूब जानी चाहिए, इतना पानी चावलों के ऊपर होना चाहिए। अब एक पैन में 1/2 कप रिफाइंड ऑयल गरम कर लेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। ऑयल के गरम होते ही हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। अब इस चिकन को हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाएंगे। दस मिनट हो गए हैं चिकन को हाई फ्लेम पर पकते हुए। चिकन अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम अच्छी तरह से चम्मच चला लेंगे ताकि ये तले में लगे नहीं। ये देखिए ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट होने लगा है, चिकन अच्छे से भुन गया है। अब हम फ्लेम को कम कर देंगे और चिकन को 80% तक गलने तक पकाएंगे, यानी कम से कम 20 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे।
अब हम चिकन को चेक कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को लो फ्लेम पर पकते हुए। चिकन हमारा लगभग 80% तक कुक हो चुका है। अब हाई फ्लेम पर थोड़ी देर चिकन को ड्राई करने के लिए पकाएंगे। आप देख सकते हैं ऑयल ग्रेवी के ऊपर अच्छे से नजर आने लगा है। इसका मतलब है ग्रेवी में पानी बिल्कुल नहीं है, ऐसी ही ग्रेवी होनी चाहिए। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इस रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अब एक बड़े पैन में 1 किलो चावल के लिए हम 3 लीटर पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे। 1 किलो चावल को बॉयल करने के लिए 3 से 4 लीटर तक पानी ले सकते हैं। पानी जितना ज्यादा होगा चावल उतने ही खिले खिले बनेंगे। अब हम पानी में ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, 4 छोटी इलायची, 4-5 छोटे-छोटे दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंग और 1/2 टीस्पून शाजीरा। अगर आपके पास शाजीरा नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये हम पानी में डाल देंगे। अब पानी में बॉयल आने तक पैन को ढक देंगे। पानी को चेक कर लेते हैं, पानी में बॉयल आने लगा है। अब हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे। इस वक्त आप नमक भी चेक कर सकते हैं। नमक चावलों में तेज होना चाहिए, बिरयानी के चावल में नमक तेज ही रखा जाता है, क्योंकि जब हम इन चावलों को उबलने के बाद इनका एक्स्ट्रा पानी निकालेंगे तो वो एक्स्ट्रा नमक भी साथ साथ ही निकल जाएगा। अब इन्हें एक बार अच्छी तरह से चम्मच चलाकर मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर अब चावलों को पकने के लिए रख देंगे। पानी में अच्छा सा बॉयल आने पर हम इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाल देंगे, डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। नींबू का रस डालने से चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। चावल हमारे 80% तक पक चुके हैं। इसके लिए सिर्फ 5 से 6 मिनट ही लगते हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चावलों को एक छलनी में डालकर छान लेंगे। चावलों को छानकर हमने एक छलनी में रख लिया है, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब इस रेसिपी के लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बिरयानी की लेयर लगानी शुरू करेंगे। इसके लिए एक बड़े भगोने या कुकर में हम सबसे पहले 1 टेबलस्पून देसी घी या ऑयल डाल देंगे। घी डालने के बाद हम इसमें सबसे पहले चावल की लेयर लगा देंगे। अच्छी तरह से कुकर की सभी साइड्स में चावल फैलाकर डाल देंगे। और अब इन चावलों के ऊपर ये तली हुई प्याज जो हमने बचा के रखी थी ये डाल देंगे और साथ साथ ही थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना भी डाल देंगे। और अब इसके ऊपर हमने जो चिकन पका के रखा था उसकी लेयर लगा देंगे। अब चिकन के ऊपर फिर से चावल की लेयर लगाएंगे। सभी तरफ अच्छी तरह से पतली पतली लेयर लगा देंगे। अब चावलों के ऊपर तली हुई प्याज और थोड़ा थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। और ये हल्के गर्म दूध में हमने थोड़े से जाफरान यानी केसर के धागे डालकर रखे थे ये डाल देंगे। इससे हमारी बिरयानी बहुत कलरफुल और खुशबूदार बनेगी। और अब फिर से हम इसके ऊपर चिकन की लेयर लगाएंगे। चिकन के ऊपर फिर से चावलों की लेयर लगाएंगे। जितनी ज्यादा हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे उतनी ही ज्यादा मसालेदार हमारी बिरयानी बनेगी। अगर आप कम लेयर लगाना चाहें तो आप कम भी लगा सकते हैं। अब चावलों के ऊपर तली हुई प्याज, कटा हुआ धनिया और पुदीना डाल देंगे, साथ ही ये केसर वाला दूध भी डाल देंगे।
अब इसके ऊपर फिर से चिकन की लेयर लगाएंगे। चिकन के ऊपर चावलों की लेयर लगाएंगे। चावलों की ये आखिरी लेयर है, बस थोड़े से ही चावल बचे थे। अब इन चावलों के ऊपर ये तली हुई प्याज और कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे। दो टेबलस्पून देसी घी डाल देंगे। और ये बचा हुआ जाफरान का दूध ये भी डाल देंगे। और अब हम कुकर की लिड बंद कर देंगे। अगर आपके पास कोई पुराना तवा हो तो उसे हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे। तवा अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम तवे के ऊपर बिरयानी का भगोना या कुकर रख देंगे। इसे ऐसे ही हाई फ्लेम पर तवे के ऊपर 5 मिनट के लिए रख दें ताकि हीट इस तवे के जरिए कुकर के अंदर अच्छे से एंटर हो सके। हमने बिरयानी कुकर में बनाई है। अगर आप भगोने में बना रहे हैं तो इसे कॉटन के कपड़े से कवर कर दें ताकि स्टीम बाहर ना निकले, या एल्युमिनियम फॉयल से भी सील कर सकते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम पर। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए दम पर रख देंगे ताकि चिकन और चावल अच्छे से साथ में पक जाए। आधा घंटा हो चुका है बिरयानी को दम पर रखे हुए। अब हम कुकर को खोलकर बिरयानी को चेक कर लेते हैं। देखिए, मज़ेदार बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। अब एक किनारे से चम्मच डालकर बिरयानी के चावलों को खोल देंगे ताकि ये खिले खिले रहें, चिपके नहीं। और अब हम गरम गरम बिरयानी को सर्विंग प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। तो ये लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार हैदराबादी चिकन बिरयानी बनकर रेडी है। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।